Hi students, welcome to RCI Azu Hub online classes. Class 11th, subject zoology, chapter 8, topic the cell, Kosika. Cell discovery. सर्वप्रथम कोशिका की खोज 1665 में की गई थी रॉबर्ट हुक के द्वारा. रॉबर्ट हुक नामक जो वैज्ञानिक है इसके द्वारा की गई थी. इन्होंने बोतल थी, इस बोतल के ऊपर कोर्क लगा हुआ था और ये था लकड़ी का. इसके कोर्क का अध्ययन किया और कोशिका के बारे में बताया. कोर्क के अंदर इन्होंने स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी, खुद के द्वारा बनाई गई सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से इसने इसका अध्ययन किया और इसके अंदर इन्होंने छोटे छोटे प्रकोष्ठ देखे. उन प्रकोष्ठों को इन्होंने सेल्युली नाम दिया. सेल्युली बाद में जाकर इनका नाम कोशिका पड़ा. तो इस प्रकार से जो रॉबर्ट हुक ने 1665 के अंदर कोर्क के अंदर स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से इसका अध्ययन किया तो इसके अंदर प्रकोष्ठ यानी कि मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसके समान इसमें कोष्ठ थे. उन कोष्ठों को इसने सेलुली नाम दिया और ये सेलुली जो है उसको बाद में जाकर कोशिका कहा गया. जीवित जीवों ये जो कोशिका है, सॉरी कोशिका जो बनी है यहां से कोर्क के अंदर जो प्रकोष्ठ थे, ये कोशिका मृत कोशिका थी. ये एक प्रकार कैसी थी? मृत कोशिका. लेकिन जीवित कोशिका की खोज, जीवित कोशिका की खोज सर्वप्रथम एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने की थी 1674 में. एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने की थी. डिफरेंस है, सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने 1665 में, जो कि एक प्रकार के मृत थे. तो क्वेश्चन अगर आता है कि सबसे पहले किसने की, तो रॉबर्ट हुक ने. और क्वेश्चन यहां से कंडीशन लगती है कि जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो यहां से एंटोन वॉन लीवेनहॉक आएगा. इन्होंने सूक्ष्मदर्शी की सहायता से बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ तथा शुक्राणुओं को देखा था. इन्होंने सूक्ष्मदर्शी की सहायता से बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और शुक्राणुओं को देखा था और उनके अंदर कोशिकाओं को इन्होंने एनिमल क्यूल नाम दिया. जो कोशिका इसने खोज की उसको एनिमल क्यूल, एनिमल क्यूल नाम दिया. इसको बाद में जाकर सेल कहा गया. तो इस प्रकार से कोशिका की जो खोज है उसमें दो प्रकार के यहां पर पॉइंट है अपने पास. एक तो मृत कोशिका की खोज जिसकी सबसे पहले की गई रॉबर्ट हुक ने की 1665 में, दूसरी जीवित कोशिका की खोज 1674 में एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और शुक्राणुओं में की थी, जिसे एनिमल क्यूल नाम दिया. बाद में जाकर इसको कोशिका कहा गया. अब कोशिका जो है इसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे. सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी सेल ये कौन सी होती है? ये होती है शुतुरमुर्ग का अंडा. शुतुरमुर्ग का अंडा होता है. शुतुरमुर्ग का जो अंडा है इसकी लंबाई 6 इंच, इसकी लंबाई 6 इंच होती है. इसकी चौड़ाई जो है वो 5 इंच होती है, लंबाई और चौड़ाई. एक अंडे का जो भार होता है, शुतुरमुर्ग के एक अंडे का भार वो 1.6 kg, इतना भारी होता है ये. अब बात करते हैं शुतुरमुर्ग, इसमें मेल और फीमेल, नर और मादा, इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है.
मेल जो होता है उसको रोस्टर कहा जाता है, रोस्टर, और मादा जो होती है उसको हेन, हेन कहा जाता है। तो इस प्रकार से सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, लंबाई 6 इंच और चौड़ाई 5 इंच, अंडे का भार 1.6 केजी होता है और इसके नर को रोस्टर, मादा को हेन कहा जाता है। सबसे छोटी जो कोशिका होती है, सबसे छोटी कोशिका वो माइकोप्लाज्मा होती है। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा होती है। इसकी लंबाई, लंबाई जो होती है 0.3 μm की होती है। जीवाणु कोशिका की लंबाई लगभग, जीवाणु कोशिका की जो लंबाई होती है वो 3.5 μm होती है, 3 से 5 μm होती है। लाल रक्त कोशिका की लंबाई यानी कि RBC जो कोशिका होती है उसकी जो लंबाई होती है वो 7 μm होती है। इसके बाद सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी सेल वो तंत्रिका कोशिका होती है, तंत्रिका कोशिका होती है। अब बात करें यदि मानव में, मानव में सबसे बड़ी कोशिका, बड़ी जो सेल होती है वो अंडाणु, इसको बोल सकते हैं मादा युग्मक, ये होती है। सबसे छोटी कोशिका मानव शरीर की, सबसे छोटी सेल वो होती है शुक्राणु, नर युग्मक। तो इस प्रकार से कोशिका की जो डिस्कवरी है, कोशिका की खोज, इसको रिवाइज कर ले, कोशिका की खोज प्रथम किसने की, रॉबर्ट हुक ने, जो कि मृत कोशिका थी। उसके बाद में एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने की थी। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, जीवाणु कोशिका की लंबाई 3 से 5 μm, RBC कोशिका जो है उसकी लंबाई 7 μm, सबसे लंबी तंत्रिका कोशिका, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु मादा युग्मक, और सबसे छोटी कोशिका मानव शरीर की शुक्राणु नर युग्मक। धन्यवाद।